press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो है मल्टीपोर्ट USB चार्जर, जो कि आप घर पे आसानी से और बहुत ही चीप प्राइस में बना सकते हैं, और ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले की तरह काम करेगा। तो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3mm वाला MDF बोर्ड, जो कि आपको फोटो फ्रेम बनाने वाली शॉप के ऊपर 10 से 15 रुपए पर फिट के हिसाब से मिल जाएगा। तो मैं इसकी कटिंग वगैरह कर ली है USB साइज़ की, उनको भी काट लिया है। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं 4 फीमेल USB पोर्ट ले रहा हूँ, तो आपको मैं ये भी बताऊँगा इसमें पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है। मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, इसमें 4 पिन होती है दोस्तों, जो लेफ़्ट और राइट वाली वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, और जो बीच वाली 2 पिन होती है वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए काम आती है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव के ऊपर ब्लैक मार्क कर दिया है। अब आप ये कैसे पता करोगे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर आप नया पोर्ट लेके आते हो तो? ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। तो आपको लेनी है एक डाटा केबल में देखिए 4 वायर होते हैं, ब्लैक और रेड नेगेटिव और पॉजिटिव, और ग्रीन और वाइट ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए काम आती है। तो मैं इनको काट लेता हूँ, हमें सिर्फ ब्लैक और रेड चाहिए। अब इनको चेक कैसे करना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आपको दोनों साइड से USB वाली केबल चाहिए, तो आपको घर पे ही बनानी पड़ेगी सेम पोर्ट में, दोनों के ब्लैक और पॉजिटिव दोनों जोड़ने हैं, और 2 USB और मोबाइल चार्ज से कनेक्ट कर दीजिए। अब मैं आपको इसे एक USB चार्जर में कनेक्ट कर दी, दूसरी हम फीमेल पोर्ट में कर देते हैं। तो अब मैं आपको इसका चेक करके दिखाता हूँ कौन सा सिरा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो आपको इसमें ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आपको पॉजिटिव है। तो पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये देखिए अगर -5.28 दिखा रहा है, यानी ये तो चार्जिंग वोल्टेज को एक बार छोड़ दीजिए, जैसे माइनस दिखा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये उल्टा वायर हमने उल्टे कनेक्ट कर रखे हैं। अगर हम दोबारा, मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेंज करके दिखाता हूँ तो बिल्कुल सही आएगा। तो मैंने जो मार्क किया हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो मैंने यहाँ पे 4 के ऊपर पहले से मार्क कर रखा था, तो ऐसे ही आप सेम साइज सीरीज में रख के आप सब पे मार्क कर सकते हैं, एक एक को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे MDF बोर्ड के जो हमने होल किए थे उनमें USB पोर्ट को फिक्स कर लेते हैं, और ग्लू गन की हेल्प से इनको और अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले डुले ना इधर उधर, और जब भी हम मोबाइल डाटा केबल प्रेस करें इसके अंदर डालें तो ये निकल ना जाए, तो अच्छे से फिक्स कर देंगे इसको। आप चाहें तो इसकी जगह आप फेविक्विक या फिर MSeal वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ग्लू स्टिक वगैरह इंस्टेंट वगैरह ये जो इंस्टेंट फेविक्विक जो आती है वो काम नहीं करेगी इसमें। यहाँ पे मैं सोल्डरिंग का इंसुलेट कर देता हूँ इसके ऊपर, फिर हम वायर कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव साइड में रेड वायर नेगेटिव साइड में ब्लैक वायर, दोनों पे जो दोनों USB पोर्ट हैं उन पे दोनों पे मैं आपको वायर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे वीडियो स्किप कर दूँगा क्योंकि प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिए, ये है दोस्तों 12 वोल्ट की पावर सप्लाई जो मैंने बना रखी है, कई बार आपको वीडियो में दिखा चुका, और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो आप वो भी अच्छे से बना सकते हैं, तो उसमें देख लीजिएगा। मैं ये क्योंकि ये 2 से 4 मिनट ऐसे ही बढ़ जाएंगी, आप वो वीडियो देख लीजिए। मैं यहाँ पे 4 7805 वाली IC ले रहा हूँ। अब मैं इनके लेग थोड़े से अलग अलग कर देता हूँ ताकि वायर ज़्यादा आपस में टच ना हो जी। ये दोस्तों जो अपना मेरी साइड से देखिए, जो स्टार्टिंग का पिन है वो पॉजिटिव इनपुट है, जो बीच वाला है वो नेगेटिव, दोनों का कॉमन रहेगा, और जो राइट साइड का है वो आउटपुट है पॉजिटिव के लिए। तो मैं यहाँ पे चारों पिन हैं अपनी, उनको पैरेलल में ही कनेक्ट कर देंगे, एक जगह करेंगे। लगभग इस 1 7805 IC का दोस्तों जो एम्पेयर होता है वो 0.8 के आसपास, 0.8 मिली एम्पेयर के आसपास होता है। तो हम यहाँ पे 4 काम में लेंगे, तो
तकरीबन 3.2 एम्पीयर के आसपास हमें आउटपुट मिलेगा, जो हमारे चार मोबाइल को एक साथ अच्छा आसानी से चार्ज कर सकता है। अगर आप एक मोबाइल चार्ज करेंगे तो फास्टली चार्ज करेगा, दो करेंगे थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर तीन करेंगे तो तीन थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा, अगर चारों एक साथ लगाओगे तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो आप आसानी से तीन तो आसानी से ही कर सकते हैं। अगर फास्ट चार्जिंग आपको चाहिए तो दो मोबाइल ही आप चार्ज करें एक साथ। तो मैंने इन तीनों पिन्स को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, एक जगह कर दिया है। अब इसको सोल्डरिंग वायर और आयरन की हेल्प से इनको फिक्स कर देता हूँ एक जगह पे। और दोस्तों इसमें आपको हीट सिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे 12 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है उसका जो एम्पेयर है वो एक एम्पेयर से थोड़ा कम है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हीट नहीं होगी बिल्कुल। अगर आप एक दो एम्पेयर के आसपास लेते हैं तो ये आईसी हीट होती है, उस टाइम पे आपको हीट सिंक लगाना आवश्यक हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इनपुट में इनपुट वायर पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर देता हूँ, और लेफ्ट साइड पहले हम यहाँ पे बीच का जो इनपुट और आउटपुट दोनों का नेगेटिव कॉमन रहेगा, तो मैं ये वायर कनेक्ट कर देता हूँ। पहले इनपुट वाले कनेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं आउटपुट के लिए वायर कनेक्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। जी मैंने नेगेटिव जो वायर है हमने दोनों कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक एलईडी ले रहा हूँ, रेड एलईडी, और उसके साथ 1K रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया है, इसके साथ हम लगाएंगे ताकि जब भी हम इसको कनेक्ट करें तो हमें ये आइडिया रहे कि हाँ हमारा जो बोर्ड है या सर्किट है जो वो अच्छे से काम कर रहा है और हमारी पावर सप्लाई ऑन है, हम मोबाइल रेडी टू चार्ज के लिए एक्टिवेट है। तो मैं यहाँ पे जितने भी चार USB हैं उनके पॉजिटिव एक जगह कर देता हूँ, नेगेटिव एक जगह कर दूँगा। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो यहाँ पे स्किप कर दूँगा। इसमें रेड वायर जितने सारे एक जगह करने, नेगेटिव यानी ब्लैक वो सारे एक जगह कर, ये देखिए मैंने कर दिए हैं। अब इन पे दो वायर कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा इकट्ठे ना हो इसलिए दो वायर कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे जो 12 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है जहाँ से हमने 7805 में लिए थे, और उससे जो आउटपुट है वो यहाँ पे USB फीमेल पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव अब सोल्डरिंग आयरन का पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर, ताकि ये वायर लूज ना हो और हमारा वायर हट ना जाए, तो अच्छे से फिक्स कर देंगे इनको, और बाकी उसको इंसुलेट टेप के साथ फिक्स भी कर देंगे ताकि कहीं शॉर्ट ना हो जाए। तो ये देखिए मैंने एकदम सेट कर दिया है इसके अंदर, और मैंने यहाँ पे 3-पिन प्लग का वायर भी कनेक्ट कर दिया है जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई का है, तो जहाँ से हमें इनपुट या जो पावर 220 वोल्ट का सप्लाई लेगी, तो वो भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो मैंने लगभग ये कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, मैं आपको अब देख सकते हैं, और अब आपको मैं इसको ऊपर का जो बॉक्स है वो एक बार फिक्स करके दिखा देता हूँ, बाकी कम्प्लीट एकदम पैक करके दिखाऊंगा फिनिशिंग वगैरह। ये देखिए दोस्तों अपना जो प्लग एंड प्ले USB चार्जिंग पोर्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको कहीं भी पोर्टेबल चार्जर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ले जाइए, आपके चार मोबाइल आसानी से चार्ज होंगे। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कैसे वर्क करना है। जैसे जहाँ भी आपको 220 वोल्ट बोर्ड दे दिखाई दे वहीं पे आप प्लग कर लीजिए इसको, ऑन करके देखिए रेड लाइट जलेगी, यानी आपका USB पोर्ट स्टेशन अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं आपको मोबाइल भी चार्ज करके दिखा देता हूँ, अच्छे से चार्ज हो गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसमें वायर कनेक्ट कर दिया है, अब देखिए ये अपना कनेक्ट हो चुका है, ये चार्जिंग अच्छे से हो रही है, ये देखिए। अब मैं दूसरे पोर्ट में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, आपको आसानी से बहुत ही अच्छे से काम करेगा ये। अब मैं तीसरे नीचे वाला जो पोर्ट है उसमें भी आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, और दोस्तों आप चाहें तो साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन साइड में स्विच वगैरह होते हैं तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, ये सीधा आपके 5-पिन सॉकेट में जाएगा और बिल्कुल अच्छे से काम करेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।